नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन। आज मैं एक आयुर्वेद की जो प्रोसेस है, थेरेपी की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा और उसका डेमोंस्ट्रेशन भी करूँगा। उस प्रोसेस का नाम है अग्निकर्म। अग्निकर्म हम आयुर्वेद में जो इस कर्म का वर्णन मिलता है, वह खास करके जहाँ पर वेदना हो, सूल हो, उसके प्रयोग में या फिर अन्य रोगों के प्रयोग में भी ऐसा बताया गया है। स्किन डिजीज में यानी त्वचा के रोगों में भी अग्निकर्म का प्रयोग बताया गया है। लेकिन मैं आज जिस पेशेंट पर यह डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, यह पेशेंट प्लैंटर फेसाइटिस का है, जिसको हम आयुर्वेद में पाद कंटक भी उसको कह सकते हैं। यानी इसका लक्षण ये है कि इस पेशेंट को सुबह सुबह जब उठती है, जो पहला कदम बिस्तर पर उठने के बाद जो पहला कदम पृथ्वी पर डालती है, जमीन पर डालती है, तो काफ़ी पेन होता है। और एंकल के पास, एंकल के नीचे जब इसका एक्सरे करवाया गया, तो इसके कैल्केनियस बोन जो है, उनका जिसे हम कैल्केनियस स्पर कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है और इसी कारण इसका इतना ज़्यादा यहाँ पर पेन है। तो इसमें अग्निकर्म बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके पूर्व भी हमने कई पेशेंट्स पर, खास करके जो प्लैंटर फेसाइटिस के पेशेंट है, पाद कंटक के पेशेंट है, उस पर हम लोगों ने अग्निकर्म का प्रयोग किया है और काफ़ी लाभ मिलता है। किसी किसी पेशेंट को तो फर्स्ट सिटिंग के बाद ही काफ़ी पेन में रिलीफ मिल जाता है, और ये डिपेंड करता है कि वह कितना क्रोनिक है केस। उस क्रोनिसिटी के आधार पर उसको कई बार सिटिंग में बुलाना भी पड़ता है, तो यह डिपेंड करता है कि उसकी क्रोनिसिटी कितनी है, इसके आधार पर हम उसका सिटिंग का तय करते हैं। लेकिन अगर बहुत उसका ऑनसेट ऑफ डिजीज का काल बहुत कम है, तो एक से दो सिटिंग में ही बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस अग्निकर्म को करने के लिए जो मुख्यतः जो सामान की आवश्यकता होती है, उसमें ये सलाका है, और यह सलाका पंचलौह सलाका है। यह पांच धातुओं से बना हुआ एक सलाका है। ये आसानी से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के दुकान में मिल जाता है, यह पंचलौह सलाका। और इसके अलावा भी और कई प्रकार के धातुओं के, यानी सोना का, चांदी का, लौह का, अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के सलाकाओं का प्रयोग संहिताओं में वर्णन है, और उसका प्रयोग भी किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा रोग है, उसके आधार पर हम सलाका का चयन करते हैं। लेकिन ऐसे कॉमन हम पंचलौह सलाका का प्रयोग अपने प्रैक्टिस जीवन में करते हैं। इसके अलावा पिपली से भी, और कई प्रकार के और भी जो प्रयोग बतलाए गए हैं, उनसे हम अग्निकर्म करते हैं। और अग्निकर्म करने के पहले ये देखा जाता है कि उसका स्थान कहाँ है, रोग का स्थान कहाँ है, उसके आधार पर हमें किस प्रकार के सलाका का प्रयोग करना है, ये हम उस पर तय करते हैं। तो अग्निकर्म में जो मुख्य हम जो प्रयोग के लिए सामान यूज करते हैं, उसमें यह सलाका है। फिर जब सम्यक दग्ध हो जाता है, तो यह घृत और मधु है, इसका सम्यक दग्ध होने के बाद उसका लेप करते हैं उस पर। फिर हम हल्दी का भी प्रयोग वहाँ पर करते हैं सम्यक दग्ध के बाद। और यह एलोवेरा है, इसे हम एलोवेरा को हम जहाँ पर सलाका से अग्निकर्म करना है, वहाँ पर पहले उसको हम थोड़ा सा आलेपन या लेप कर देते हैं, जिससे पेशेंट को थोड़ा सा जलन वगैरह जो होती है, वो उसका कॉम्प्लिकेशन वो नहीं होता है। और सर्वप्रथम जब हमें जिस स्थान पर अग्निकर्म करना है, उस स्थान पे हम यह त्रिफला क्वाथ है, इस त्रिफला क्वाथ से उस जगह का प्रक्षालन कर लेते हैं, धो लेते हैं। तो ये मुख्य सामग्री हैं जो अग्निकर्म में के प्रयोग में, या अग्निकर्म के जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले वी हैव टू डायग्नोस द डिजीज, पहले डायग्नोस कर लेना है कि यह कौन सी बीमारी है। प्लैंटर फेसाइटिस के केस में, यानी कि पाद कंटक के केस में, ऐसा हमने अनुभूत किया है कि कई बार पेशेंट्स को पाद कंटक के साथ साथ, प्लैंटर फेसाइटिस के साथ साथ,
वातरक्त भी होता है, यानी उसे हाइपर यूरेमिया यानी कहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से जब हम अग्निकरण करने जाएं तो उसके पूर्व हम उस पेशेंट पर जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है उसको कर लें। अगर हमें लगता है कि उसमें वातरक्त के भी लक्षण हैं तो वहाँ पर अग्निकर्म हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वातरक्त का केस है और हम वहाँ पर अग्निकर्म का प्रयोग करेंगे तो उससे पेन बढ़ता है। तो इसलिए हमें फर्स्ट वी हैव टू डायग्नोस डिजीज, उसके आधार पर हमें अग्निकर्म करना है। तो इस पेशेंट का हमने एक्सरे करवाया है और इसका कोई यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है लेकिन पादकंटक है। तो ऐसे इस टाइप के पेशेंट में अग्निकर्म बहुत ही ज़्यादा लाभ करता है। तो आज हम देखते हैं कि इस पेशेंट पर किस प्रकार से अग्निकर्म का हमें प्रयोग करना है प्लैंटर सिंफाइटिस के केस में। सर्वप्रथम इस सलाका को हम अग्नि पर तप्त करेंगे, और एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो अग्नि पर इसको हम तप्त करेंगे वो इसका जो पॉइंट है थोड़ा सा रेड हो जाना चाहिए और उतना गर्म होगा, उसके बाद हम इसको लाकर फिर यहाँ पर जो पेन का साइट है खास करके जहाँ पर इनको दर्द है वहाँ पर हम अग्निकर्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले इस सलाका को अग्नि पर हम गर्म करेंगे। यह पंचलौ सलाका, इसको हमने अग्नि पर गर्म कर दिया है। अब पूर्व में हमने इस पेशेंट पे इस प्रकार से एलोवेरा से इसको पहले थोड़ा सा मालिश कर दी है। इसका करने का पीछे तर्क यह है कि इनको जलन कम हो, इसलिए हमने ये किया है। अब इनका हम ध्यान देंगे कि कहाँ पर मेन पेन का साइट है। ये इनका मेन पेन का साइट है जहाँ पर ज़्यादा दर्द है, तो उसके आधार पर हम उसका स्थान का चयन करेंगे और वहाँ पर पंचलौ सलाका है इसका हम वहाँ पर लगाएंगे। इस साइट का प्रयोग हम कैसे इसको पहचान करें, तो उसके लिए यही है कि आप इसको देखें कि कहाँ पर मैक्सिमम पेन है वहाँ पर इसको लगाना है। जब हम इस सलाका को लगाते हैं जो अग्नि तप सलाका है, तो लगाते ही एक सम्यक दर्द का लक्षण है कि जैसे ही आप लगाएंगे एक चटचट की आवाज़ आएगी, जो बहुत माइल्डली यहाँ पर आवाज़ आती है, जिसको जैसे ही हम यहाँ पर टच करेंगे एक चट सी आवाज़ आती है, यानी जब गर्म चीज़ आप जैसे पानी में सटाते हैं तो कैसे चट सी आवाज़ आती है, तो वैसे ही यहाँ पर हम अभी सटा रहे हैं तो वो एक चट सी आवाज़ आती है। यह सम्यक दर्द का लक्षण के अंतर्गत आता है। इसके आधार साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो दर्द कर रहे हैं उसमें जो पेनिट्रेशन टाइम है वो कितना सेकंड का है, उसका भी ध्यान रखना होता है। ज़्यादा देर तक हम पेनिट्रेट कर नहीं रख सकते हैं क्योंकि उससे अति दर्द होने का लक्षण वहाँ पर मिलेगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते ही हमें वहाँ पे अग्निकर्म करना है। ये अग्निकर्म का प्रयोग जब हम सलाका का यहाँ पर करते हैं, अग्निदग्ध करते हैं और इसको सलाका को जब हम अग्नि पर गर्म करते हैं तो यह कुछ मिनट के बाद फिर ठंडा होता है। तो बार बार हम इसको फिर जहाँ पर से जो अग्नि का स्रोत है उस पर हम गर्म करके फिर इसका प्रयोग करते हैं। तो यह सलाका थोड़ा ठंडी हो गई है, फिर से इसको अग्नि पर हम तपाएँगे। फिर से दोबारा हमने इसको अग्नि पे तप्त कर लिया है। अब फिर से हम देखेंगे जो जो हमारा साइट बच चुका है उस पर हम फिर से सलाका को लगाएंगे। हर एक बार एक चट सी आवाज़ आएगी। अगर चट की आवाज़ नहीं आ रही है इट मीन्स कि आपका सलाका ठंड हो चुका है, उसको फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है हमें अग्निकर्म करते हुए। अभी तक इसमें चट की आवाज़ आ रही है, यह बता रहा है कि अभी सलाका तप्त है। अब हमने सलाका से इनका अग्नि दग्ध कर दिया है। अब हम यहाँ पर कोई जलन या ये ना हो तो पहले हम इसको एलोवेरा से फिर से एक बार ये कर देते हैं जिससे कि इनको कोई जलन वगैरह ना हो। साथ ही साथ हमारे पास जो घी और मधु अवेलेबल है इसका हम वहाँ पर लगाकर लेपन कर देते हैं। घी और मधु का लेपन ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमेशा सम्यक दर्द के बाद घी और मधु का लेपन कर देना है, और हो सके तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर का भी प्रयोग हम करते हैं।
अगर सम्यक दग्ध है तो कभी कभी ऐसा होता है कि करने के केस में अग्निकर्म करने के केस में अति दग्ध हो जाता है, ज़्यादा वहाँ पर जलन या ऐसा उपद्रव होता है, तो उसके अनुसार फिर हम उपद्रव की चिकित्सा वहाँ पर करते हैं, जो शीतल चिकित्सा है वहाँ पर करना है। अंत में हम इस जहाँ पर अग्नि दग्ध किए वहाँ पर हल्दी भी लगाते हैं। इससे लगाने से यह फायदा होता है कि अगर किसी भी प्रकार का थोड़ा भी इन्फ्लामेशन या कुछ भी अंदर हो तो वो दूर हो जाएगा और एक वहाँ पर जो वेदना होगी उसको भी वो हरेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर हल्दी का भी लेप अंतिम में कर देते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम अग्निकर्म को कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमें सर्वप्रथम रोगी के पैर को त्रिफलाकवास से प्रक्षालन कर लेना है। प्रक्षालन पश्चात आप जो भी आप जो अग्निकर्म के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उनका आप वहाँ पर अवेलेबल कर लें, जिसमें एलोवेरा है, घी है, मधु है, हल्दी है और सलाका है। इसके बाद हम जो है इस सलाका को अग्नि पर गर्म करते हैं और अग्नि पर गर्म करने के पश्चात हम जहाँ पर मैक्सिमम पेन है, खास करके प्लैंटर फेसाइटिस में या पाद कंटक में, वहाँ पर उसको दग्ध करते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस को हम संपन्न करते हैं और पेशेंट को थोड़ा देर अग्नि कर्म करने के पश्चात थोड़ा देर आराम करने बोलते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई भ्रम मूर्छा की स्थिति ना आए, आराम से पेशेंट जब रिलैक्स हो जाए फिर उसको हम घर जाने के लिए बोल सकते हैं। तो इसके अलावा हमें और कोई बातों का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन सर्वप्रथम पेशेंट को कौन सी बीमारी है इसका डायग्नोसिस होने के बाद ही अग्निकर्म करना है। और हम अपने क्लिनिक पे या तो प्लैंटर फेसाइटिस की पेशेंट थी, पादकंटक की पेशेंट थी, हम संधिवात या लो बैक पेन या फ्रोजन शोल्डर, इसमें भी अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं, उससे हम अग्निदग्ध करते हैं। थैंक यू।